फिरोजाबाद निवासी सीआरपीएफ जवान विक्रम यादव जम्मू कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव खद्दूसपुर फिरोजाबाद लाया गया, जहां गमगीन माहौल में सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। विक्रम यादव के अलावा उनका छोटा भाई विमल कुमार यादव भी इम्फाल में सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर सेवारत है तथा उनके पिता एवं चाचा भी इसी विभाग में है। विक्रम यादव अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के अलावा माता पिता, भाइयों सहित भरा परिवार छोड़कर दुनिया से विदा हो गए हैं। परसों रात को मेरे को मतलब दिन में सूचना मिली थी 2:30 बजे करीब, कंट्रोल रूम से फ़ोन गया था, बच्चों के पास फ़ोन आया, बच्चों ने मुझे कॉल किया, मैं इम्फाल में हूँ, मणिपुर में तैनात, वहाँ भी कुकी और मेथी वाला चलता रहता था। उस जगह पर दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, मेरा भी निकलना मुश्किल था, तो मैं नाइट में जो है 4 बजे के करीब वहाँ से इम्फाल आया, इम्फाल से फ्लाइट पकड़ा और दिन में IGI एयरपोर्ट पर मैं और छोटा भाई योगेंद्र यादव असिस्टेंट कमांडर में हूँ, वहाँ से हम जो है बॉडी आने में लेट हो रहे थे, तो फिर हम आगे आगे निकल आए, इनको लोकेशन शेयर कर दिया था, 3 बजे के करीब बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट पर आई है। मेरे पिताजी 4 तारीख को अपनी ड्यूटी के लिए फिरोजाबाद से जम्मू के लिए गए थे। परसों उनके हेडक्वार्टर से, उनके बटालियन की तरफ से हमें खबर मिली कि अब वो नहीं रहे। कल उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया और हम, मेरे घर में मेरी माता जी और मेरी एक सिस्टर है, और मैं काफी प्राउड करता हूँ कि वो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अपनी सेवा देते हुए सही हुए। विक्रम भाई साहब मेरे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने मुझे फौज में ट्रेनिंग दी है, उसके बाद आसाम में उनके साथ देश सेवा की है और छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके साथ में रहा हूँ। 5-6 साल वहाँ पर उनके साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी दी है। देश सेवा के लिए वो हमेशा प्रेरित रहे हैं और अपने से जूनियर को हमेशा उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हों। जब तक उनके साथ रहा तो हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर से या परिवार से दूर रहा हूँ, हमेशा एक छोटे भाई तरह मुझे सराहा उन्होंने।